कोलकाता में ममता बनर्जी के घर में घुसा शख्स बिताई रात। पुलिस ने कहा कि उस व्यक्ति ने कोलकाता में 34B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर ममता बनर्जी के घर की दीवार को लगभग 1 बजे फांदा था। पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति रविवार को तड़के दक्षिण कोलकाता के कलीघट इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास में घुस गया। इस घटना से सुरक्षा में खलबली मच गई है और सवाल उठ रहा है कि कैसे वह मुख्यमंत्री के निजी आवास की रखवाली करने वाली बड़ी संख्या में कर्मियों को पार कर गए और बिना किसी को देखे घर में रात बिता दी। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति ने सुबह करीब 1 बजे प्रवेश करने के लिए 34B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर सुश्री बनर्जी के घर की दीवार को फांद कर दिया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह घर के अंदर ही रह रहा था, रात एक कोने में बैठ रहा और सुबह सुरक्षाकर्मियों ने उसे देखा। उन्होंने कलीघट पुलिस स्टेशन में को सूचित किया, जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि पुलिस ने कहा कि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसने घर में अतिचार क्यों किया और दिखने में वह कुछ हद तक मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता था। अधिकारी ने कहा कि हम उनसे बातें कर रहे हैं, उनके ठिकाने को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने उन्हें किसी मकसद से मुख्यमंत्री आवास में घुसने का निर्देश दिया। इसकी जाँच चल रही है। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। We'll be right back.